खूंटी जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में 100% टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि भी गांव-गांव घूमकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने में जुटे हैं। टीकाकरण के लिए धीरे धीरे ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ने लगी है। तोड़पा प्रखंड का सुदूरवर्ती गांव लोहाजिमी, जहां वैक्सीन का नाम सुनते ही लोग दूर भागने लगते थे, लेकिन पड़ोसी गांव चुड़दांग में 100% टीकाकरण के बाद अब एक एक कर ग्रामीण टीकाकरण के अफवाह को समझने लगे हैं। अजीम प्रेमजी द्वारा संचालित जिधान परियोजना में कार्यरत युवा साथी गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को लगातार वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाने से अब वैक्सीनेशन को लेकर गांव-गांव में फैली अफवाहों में कमी आई है। धीरे धीरे अब गांव के बुजुर्ग, महिला और युवा वैक्सीन लेने के लिए अपनी झिझक तोड़कर आगे आने लगे हैं। सामाजिक संगठनों के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, स्कूली शिक्षकों और महिला समूह की महिलाओं ने भी जागरूकता अभियान चला रखा है। जिले के कई गांवों में अब 100% वैक्सीन लेने के बाद अन्य गांवों में भी 100% वैक्सीन दिलाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और गैर सरकारी संस्थाएं भी गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाकर जिले को 100% वैक्सीन से आच्छादित करने में जुटे हैं। सभा कर रहे हैं, जहाँ पे ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, MOIC भी आ रहे हैं, हमारा CBOs की तरफ से भी प्रधान और अलग संस्था महिला संघ के तरफ से भी लोग आ रहे हैं, और एक साथ मिल के एक बातचीत करके हम लोग उस भ्रांतियों को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ ये पूरा तोरपा प्रखंड में वॉल पेंटिंग कराया गया है, और वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी फैलाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन का लाभ उठा पाए, और वैक्सीनेशन लेने के बाद एक सेल्फी कॉर्नर का भी शुरुआत किया गया है। ग्राम सभा कर रहे हैं कोविड को टीकाकरण की जानकारी के लिए, महिला मंडल में जा रहे हैं, ग्राम संगठन में जा रहे हैं, और विशेषकर जैसा अब प्रधान संस्था से काम कर रहे हैं तो एक सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है, जहाँ लोग टीकाकरण के बाद सेल्फी ले रहे हैं, तो इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी बदलाव आया है। बीच में तो लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते थे, कुछ भ्रांतियाँ थी, कुछ अफवाह थे वातावरण में, तो इसके चलते लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में और हमारे जो भी सीनियर वरीय पदाधिकारी हैं जिले के, उन सबों के नेतृत्व में और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो सेविकाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की सहिया हैं, ANM हैं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक, सभी पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता, सबों ने प्रयास किया तो काफ़ी परिवर्तन आया। और इधर टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी है, जहाँ हम लोग मुश्किल से 400-500 एक दिन में टीकाकरण हो रहा था, वो बढ़ करके अभी 3-4 हज़ार तक पहुँच गया है। दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। Cheer for India। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाँ मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचा। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें, जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप।
you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. We'll be right back.